आज जो कहानी मित्रों में लेके आई हूँ उसका शीर्षक है नई सुबह। नीति सक्सेना द्वारा लिखित ये कहानी बहुत ही सुंदर है, आप भी सुने। वीरेन ने आज पक्का मन बना लिया था कि अपनी पत्नी अनीता और दोनों किशोर बच्चों अंकित और अन्वेषा के साथ वह आज रात ही एक सुसाइड नोट लिखकर अपने जीवन का अंत कर लेगा। जीवन से बहुत हताश हो चुका था वह। यूं तो बहुत अच्छे दिन में भी देखे थे उसने, कार, फ्लैट, अपना पुराना मकान और ऐशो आराम की हर चीज उसके पास थी। बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे थे, पर बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ कि घाटा होता चला गया और कुछ करीबी बिजनेस पार्टनर्स ने भी उससे छल किया और कुछ उसकी भी स्वयं की अति आत्मविश्वास के कारण कुछ गलतियां रहीं। धीरे धीरे कार, घर के आभूषण इत्यादि सब बिक गए और बच्चों की एडमिशन फीस और अन्य खर्चों के लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ा। करीबी लोगों और रिश्तेदारों से जो पैसा उसने बिजनेस के लिए उधार लिया था उसको वापस करने के लिए उसको बैंक और अन्य लोगों से उधार लेना पड़ा और आज हालत यह हो गई है कि इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा, जिससे वह अपने सर के ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज चुका पाता। बैंक में जमा किया गया पैसा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और बच्चों के भविष्य की चिंता उसके सामने मुंह बाएं खड़ी हो गई थी। कोई टेक्निकल कोर्स भी उसने नहीं किया हुआ था जिसके बल पर वह छोटी मोटी नौकरी कर पाता। अपना एजुकेशन बीच में अधूरा छोड़ दिया उसने यह बिजनेस शुरू किया था। सिगरेट छिड़काता हुआ वह बालकनी में आके खड़ा हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसकी निगाह नीचे पड़ी तो देखा बगल वाली कॉलोनी के सरदार अंकल जी अपनी पत्नी बलवंत कौर के साथ बारिश में भी उबले हुए अंडों आमलेट का अपना ठेला लगाए खड़े थे। उनकी पत्नी ग्राहकों को गरम गरम आमलेट बनाकर देती जा रही थी। तवे पर और सरदार जी पैसों का हिसाब किताब करके पेटी में रखते जा रहे थे। एक जमाने में इनकी खाद्य मसाले बनाने की फैक्ट्री और ईंट भट्टा था, पर उसमें नुकसान हो जाने के कारण आज इन्हें अंडे का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। इस वृद्धावस्था में अचानक पीछे से बेटी अन्वेषा दौड़ती हुई आई और अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हाथ में लिए, पापा देखिए आज हमने यह स्पाइडर वाली स्टोरी पढ़ी जिसमें वो बार बार गुफा के मुंह पर जाला बनाने की कोशिश करती है पर गिर पड़ती है और पर वो छठी बार भी बोर नहीं होती और जाला बनाने में सफल हो जाती है। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना पापा, वीरेन ने हाँ में सिर हिलाया। बचपन में यह कहानी उसने अपनी स्कूल की किताब में भी पढ़ी थी। उसमें युद्ध में हारा हुआ राजा भाग के एक गुफा में शरण लेता है और गुफा के द्वार पे बार बार जाला बुनने का प्रयत्न करती मकड़ी को देखकर इंस्पायर होकर फिर से शत्रु देश पर हमला करने की सोचता है। उधर बेटे ने होमवर्क पूरा करके अपने मनपसंद किशोर दा के गाने मोबाइल पर चला दिए थे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। गाना सुनकर अचानक वीरेन के मन में एक विचार पौंधा। अनीता इतना अच्छा चाइनीज फूड मंचूरियन चिली पनीर कड़ी चावल बना लेती है, क्यों ना कल से वह भी अपने बाबूजी की पुरानी बेकार पड़ी मारुति वैन को चलते फिरते ठेले के रूप में इस्तेमाल करके अनीता के साथ फास्ट फूड बनाने का छोटा सा काम शुरू कर दे। आईटी रोड पर तमाम बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, वहाँ चौराहे के आसपास अगर गाड़ी खड़ी कर दे तो अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। कम से कम बच्चों की पढ़ाई तो नहीं छुड़वानी पड़ेगी। घर का मुखिया ही अगर हिम्मत हार जाए तो कैसे काम चलेगा। गाने के बोल सुनकर उसका मन शांत हो चुका था और सारा तनाव बारिश के पानी के साथ मानो बह गया था। अनीता इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है, आवाज लगाता हुआ वह कॉपी पेन लेके बैठ गया और अपने इस नए छोटे बिजनेस के लिए उसने कल क्या क्या करना है
और लेकर आना है यह लिखने के लिए और हिसाब लगाने के लिए। कल एक नई सुबह एक नए उत्साह के साथ उसका इंतजार कर रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं।